नमस्कार दोस्तों, पगार बुक ऐप की एमएसएमई न्यूज श्रृंखला में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपके लिए भारतीय एमएसएमई सेक्टर से जुड़ी चार बड़ी खबर लेकर आए हैं। आज की पहली खबर में आइए जानते हैं कि भारत और चाइना के बॉर्डर पर तनाव का असर भारतीय रोड कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री पर क्या हुआ है। चाइना और भारत में बढ़े विवाद के मुद्दे को देखते हुए सरकार ने बुधवार को ये अनाउंसमेंट किया है कि जिसमें भारत सरकार ने यह स्पष्ट किया है कि कोई भी ऐसी भारतीय रोड कंस्ट्रक्शन कंपनी जिनका चाइनीज इन्वेस्टर के साथ ज्वाइंट वेंचर हो, ऐसे किसी भी एमएसएमई कंपनी को किसी भी हाईवे कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट में काम करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। इस बात की घोषणा यूनियन मिनिस्टर फॉर रोड ट्रांसपोर्ट हाईवे और एमएसएमई मंत्री नितिन गडकरी जी ने की थी। उन्होंने कहा कि भारत की लोकल कंपनी के प्रोडक्शन कैपेसिटी को बढ़ावा देने के लिए ही फॉरेन इन्वेस्टमेंट की बात स्वीकार की गई थी, लेकिन आज के हालातों को देखते हुए चाइनीज इन्वेस्टर को अनुमति नहीं दी जा सकती। नितिन गडकरी जी का कहना है कि इस सिलसिले में नई पॉलिसीज लाई जाएंगी जिसमें जल्द ही चाइनीज फर्म के साथ ज्वाइंट वेंचर या किसी भी तरह का इन्वेस्टमेंट रखने वाली कंपनियों को किसी भी प्रोजेक्ट की अनुमति नहीं होगी, लेकिन जो प्रोजेक्ट पहले से चल रहे हैं जिनमें चाइनीज इन्वेस्टर की भूमिका है, ऐसे प्रोजेक्ट को अभी चलने दिया जाएगा। यह पॉलिसी आगे लागू होने वाली कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट और फ्यूचर टेंडर को ध्यान में रखकर शुरू किया जाएगा। आज की दूसरी खबर में आइए जानते हैं कि एमएसएमई सेक्टर के रजिस्ट्रेशन में सरकार द्वारा क्या बदलाव किए गए हैं। उद्यमम रजिस्टर के नाम से नया रजिस्ट्रेशन प्रोसेस माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस के लिए जुलाई 1 से शुरू किया गया है। पिछले सप्ताह एमएसएमई मिनिस्टर ने इस बात की घोषणा की, भारत में अब एमएसएमई सेक्टर को उद्यमम के नाम से जाना जाएगा जिसका अर्थ एंटरप्राइजेस होता है। उद्यमम रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन किया जा सकता है जो कि एक सेल्फ डिक्लेरेशन प्रोसेस है जिसमें कुछ डॉक्यूमेंट्स आधार कार्ड जैसे जनरल डॉक्यूमेंट्स के साथ आईटी रिटर्न और जीएसटी की जरूरत होगी। इससे पहले भी मई माह में फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने एमएसएमई सेक्टर की डेफिनेशन को बदला था। इस बदलाव का फैसला कोरोना वायरस से बनी परिस्थितियों को ध्यान में रखकर लिया गया था। अब इस नए नियम के अनुसार एमएसएमई की रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया को भी बदल दिया गया है। पुराने माध्यम से रजिस्टर एमएसएमई कंपनियां भी अपने आप को जाकर ऑनलाइन रजिस्टर कर सकती है। इसके लिए एमएसएमई कंपनी को उद्यम रजिस्ट्रेशन की वेबसाइट पर जाना होगा। आज की तीसरी महत्वपूर्ण खबर असम एमएसएमई सेक्टर की ओर से। असम गवर्नमेंट ने एमएसएमई सेक्टर को ध्यान में रखते हुए ये घोषणा की है कि अब एमएसएमई कंपनी किसी भी भूमि का कन्वर्जन इंडस्ट्री सेटअप के लिए कर सकती है। यह पूरी प्रक्रिया सेल्फ डिक्लेरेशन के आधार पर होगी। इसके लिए किसी भी तरह की परमिशन, क्लियरेंस और लाइसेंस की जरूरत नहीं होगी। यह नियम आगे आने वाले 3 साल तक लागू रहेगा। असम सरकार ने इस बात की घोषणा की, लेकिन अपोजिशन पार्टी ने सोशल मीडिया पर इसका खुलकर विरोध किया। आत्मनिर्भर असम मिशन के तहत असम एमएसएमई सेक्टर को मजबूत बनाने के लिए ये बड़ा फैसला लिया गया है। इस नियम के तहत कोई भी व्यक्ति वह खुद से डिक्लेयर कर सकता है कि उसने किसी पर्टिकुलर एरिया को अपनी फैक्ट्री की लोकेशन के लिए चुना है। उसके लिए इसे एक ऑनलाइन फॉर्म या ऑफलाइन फॉर्म इंडस्ट्री कमिश्नर ऑफिस में जमा करना होगा। यह एमएसएमई सेक्टर की समय की बचत करेगा। आज की आखिरी और पॉजिटिव खबर वर्ल्ड बैंक की ओर से। वर्ल्ड बैंक ने बुधवार को घोषणा की, भारतीय एमएसएमई सेक्टर को कोविड 19 की वजह से हुए नुकसान से उबारने के लिए इमरजेंसी रिस्पांस प्रोग्राम की शुरुआत की जाएगी जिसके तहत 750 करोड़ का फंड भारतीय एमएसएमई सेक्टर के लिए मंजूर किया जाएगा। वर्ल्ड बैंक कंपनी के कंट्री डायरेक्टर जुनेद अहमद का कहना है कि एमएसएमई सेक्टर भारत की इकोनॉमिक ग्रोथ की जड़ है और कोविड 19 की वजह से पिछले कुछ दिनों में हुए नुकसान से इसे उबारना जरूरी है। यह पॉलिसी मार्केट में लिक्विडिटी को बढ़ाएगी और इकोनॉमी में मजबूती लाएगी। इससे पहले भी आत्मनिर्भर भारत योजना के तहत एमएसएमई को समर्थन देने के लिए भारत सरकार ने 3.7 लाख करोड़ का पैकेज लागू किया था जिसकी सराहना वर्ल्ड बैंक ने भी की थी। वहीं साथ ही रिजर्व बैंक ने कोविड 19 की समस्या से निपटने के लिए बैंक और भारतीय एमएसएमई में लिक्विडिटी को बढ़ाने के उपाय किए थे। आज के एमएसएमई न्यूज में बस इतना ही। इसी तरह की महत्वपूर्ण खबरों के साथ लगातार बने रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। यदि ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक करें और शेयर करें ताकि ये महत्वपूर्ण जानकारी ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुँच सके। धन्यवाद।